हमारे देसी श्री प्रिंस 7 IAS देसी के गाइडेंस पे जुलाई 2019 को कॉमन सर्विस सेंटर तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में ई सर्विस लॉन्च किया गया है। इस सर्विस के माध्यम से बहुत ही कम समय में और आसानी से जनता को सर्टिफिकेट अपने घर बैठे ही मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा मिल जाता है और जिनको ई सर्विस की सेवा मोबाइल के द्वारा इस्तेमाल करने में तकलीफ होता है उन्हें CSS यानी कॉमन सर्विस सेंटर में एसेस मिला जाता है। ई सर्विस में STPRC इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इसके साथ इंडियन आर्मी में भी भर्ती करने के लिए TRC यानी टेम्पोरेरी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मार्च 2020 से लॉन्च किया गया है। और भी सर्टिफिकेट जैसे गवर्नमेंट आईडी कार्ड को लॉन्च किया गया जिससे हम इस ई सर्विस के द्वारा गवर्नमेंट आईडी कार्ड को रिन्यू भी कर सकते हैं। इस COVID-19 के महामारी के समय जो लोग फंस गए थे उनके मूवमेंट के लिए ई पास और परमिट इशू किया गया और इसके साथ एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटीज जैसे राशन, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी इशू किया गया। हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट के सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है जहां ई सर्विस को हेडक्वार्टर से वाक्रो और सुनपुरा सर्कल लेवल में चालू किया गया है। मेरा साथी भी है, मेरा दोस्त, और बहुत लोग यहाँ खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं एक ऑनलाइन फॉर्म का एड्रेस, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से क्या होता है, एक पेपरलेस काम है, वो बहुत फायदा है। आई वुड लाइक अपील ही चाहिए एवरीवन ना कि आप लोग आइए तो पेपरलेस वर्क काम ना करना, अपना मोबाइल पर यूज़ करिए। अभी मैडम पूछा मैंने लगभग 500-600 आदमी ऑनलाइन अप्लाई कर किया है, उन्हें सबको मिल चुका है विद इन 4 डेज का नहीं मिला। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 5-6 दिन लग जाता होगा, कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जब ये जन सुविधा आएंगे आप लोग जब अप्लाई किए हैं आप लोग वहाँ पर आपको मैसेज आएगा तभी आप लोग यहाँ पर आके लीजिएगा। तो वन सेकेंड आई वुड लाइक टू थैंक्स जैसे एडमिशन मैडम। अभी बच्चा के बच्चे कुछ लेने आए थे तो बता दीजिए। हाँ, ये मेरा बेटा के लिए ले गया है, फोन दिया था ऑनलाइन पे, तो अभी हमको मिल गया, जल्दी मिला है 4 दिन में। बेटा का नाम है ओगिन चेबा और हम टपरगाम से आए, हम टपरगाम बस्ती में बैठने वाला है। थैंक यू। वेलकम टू जन सुविधा। ऐसे डेडिंग असिस्टेंट में बहुत साल से काम कर रही हूँ। पहले जन सुविधा में जब ऑनलाइन नहीं था तब थोड़ा गैदरिंग भी ज़्यादा हो जाता था, तो भीड़ भाड़ होता था आर्मी, तो हम लोग को काम करने, ऑफिस वाला लोग को काम करने के लिए भी तकलीफ होता था। जब से ऑनलाइन ई गवर्नमेंट शुरू हुआ है तब से तो थैंक्स टू ई गवर्नमेंट एंड IT, जब से ई गवर्नमेंट सर्विस हुआ है तब से ऑनलाइन सर्विस जब से हुआ है तब से तो हम लोग का रश भी इतना नहीं होता है, ज़्यादा आदमी भीड़ भाड़ भी नहीं होता है, काम भी वो भी ठीक ठाक चल रहा है और ऑफिस वर्क फ्री वर्क हो रहा है, पेपर वर्क भी फ्री हो रहा है। और इसके बाद में हम लोग का जो ऑनलाइन जो सर्विस देता है वो 3 डेज में कंप्लीट कर देता है। इसके बाद वो लोग जब मोबाइल में इंटीमेशन आ जाता है तब वो लोग को हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। थैंक यू।